हाय गाइस, वेलकम टू माय किचन शालूज लव बुक। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जो आप सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सिर्फ 5 मिनट में अपना लंच या डिनर तैयार कर सकते हैं। आप अचानक से देखते हैं कि आपके फ्रिज में कोई भी सब्जी नहीं है और सिर्फ आपके घर में आटा है। आप आटे के साथ थोड़ी कुछ और चीजें मिलाकर ये चीला आप तैयार कर सकते हैं। आप इसको चीला बोलें, डोसा बोलें। बहुत ही क्रिस्पी ये डोसा है, बहुत ही क्रिस्पी ये चीला है। इसको आप बनाकर खाएं, केचप के साथ आप खाएं, हरी चटनी के साथ खाएं, जो भी आपके पास सब्जी अवेलेबल हो आप उसके साथ खाएं। इन चीजों के साथ आप बहुत आसानी से चीले को बना सकते हैं। आइए मैं दिखा देती हूँ एक एक करके आपको क्या चाहिए। ये 1 कप आटा मैंने लिया है, 2 बड़े चम्मच बेसन हमने लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक हमने लिया है, ये मीठा सोडा है 1/4 टीस्पून, ये 2 चुटकी हमने काली मिर्च ली है, इसके अलावा हमने लिया है ये अदरक और कटा हुआ हमने हरी मिर्च ली है, ये ऑयल है इसमें डालने के लिए, आप चाहें तो देशी घी भी डाल सकते हैं, और ये है पानी घोल बनाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, का घोल बनाना हम शुरू करते हैं। ये देखिए, एक बड़ा सा बोल हम लेंगे जिसमें हम एक एक करके सारी चीजें डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें आटा डालूंगी, इसके बाद मैंने इसमें बेसन डाल दिया है, इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक इसमें जाएगा, काली मिर्च इसमें जाएगी, मीठा सोडा भी हमने डाल दिया है यानी कि खाने वाला सोडा भी डाल दिया है, हमने अदरक और हरी मिर्च भी डाल दी है, ऑयल भी इसमें चला गया है। इसके बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और एक ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला इसका एक फुलम बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसको घोल बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने बहुत क्लियरली आपको इसमें इस वीडियो में दिखाया है कि आपको इसको इस घोल को कैसे बनाना है। ये देखिए, इन लम्स को तोड़ते हुए आपको घोल को तैयार करना होगा। ये देखिए हमारा घोल बनकर तैयार है, पर ये थोड़ा सा अभी गाढ़ा है इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। ये देखिए काफी मैंने इसको फेंट लिया है, ये देखिए थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा। अब हमारा ये बैटर बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम तवा गर्म कर लेते हैं और इस चीले को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम गैस जलाएंगे और पैन को गर्म करेंगे। पैन के गर्म होने पर हम इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच हम इसमें बैटर फैला देंगे और एक कटोरी की सहायता से इस तरह से हम इसको गोल गोल करके फैला लेंगे। ये देखिए मैंने कितना इवनली इसको स्प्रेड किया है, काफी पतला मैंने इसमें डोसा फैलाया है। इसके बाद हम इसमें किनारे किनारे ऑयल डालेंगे और इसको लगभग हम 3 से 4 मिनट तक सिकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चीला सिकने लगा है। अगर आपको सॉफ्ट चीला पसंद है आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा क्रिस्पी डोसा पसंद है तो आप इसको 3 से 4 मिनट तक सिकने दें और तब आप इसको उतार कर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा डोसा तकरीबन सिकने वाला है। आप देख सकते हैं किनारे से ये काफी क्रिस्पी होने लगा है, ये बनकर अब बिल्कुल तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डोसा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको हरी धनिया चटनी, केचप किसी भी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा ये डोसा लग रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।